गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेथब्रिज के लिए निकल रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो मैं आज आपको पूरा ट्रैवल कराऊंगी, पूरी जर्नी कराऊंगी फ्रॉम एडमंटन टू लेथब्रिज। लेथब्रिज एक अल्बर्टा में साउथ में एक सिटी है, तो उसको दिखाते हैं आपको, वहाँ तक आपको पूरी जर्नी कराते हैं कि कैसी सिटी है वो। इट इज़ वन ऑफ द विंडीएस्ट एंड सनीएस्ट सिटी इन अल्बर्टा, एंड अभी आपको वो दिखाएंगे, तो पूरा रास्ता आप मेरे साथ जर्नी करेंगे। तो आई होप आई यू विल एंजॉय इट। तो सी यू इन द कार। सो फ्रेंड्स, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लेथब्रिज एंड वी आर ऑन द वे। करेंटली बस एडमिंटन से हम अभी निकले हैं। इट्स 8:55 AM इन द मॉर्निंग एंड काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा है एंड इट्स अराउंड टेम्परेचर इज़ अराउंड 10 degrees Celsius। काफ़ी ह्यूमिडिटी एंड कूल हो रहा है। आई होप रेन हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। वो भी रही थी अभी सुबह जब हम उठे थे, तो बहुत ज़्यादा रेनी वेदर हो रहा था। तो लेट्स सी रास्ते में कैसा वेदर मिलता है। वैसे फॉग अलर्ट आया हुआ है रास्ते में कि फॉग मिल सकती है। लेट्स सी कि कैसा मिलता है हमें ऑन द वे, वेदर कैसा मिलता है। सो आपको रास्ता दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग अभी टिम हॉर्टन्स पे ड्राइव थ्रू पे जा रहे हैं। वहाँ से हमें ब्रेकफास्ट लेना है, तो फिर वहीं से फिर हम खा के फिर रास्ते में खा लेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स लेथब्रिज। तो वी विल बी गिविंग द ऑर्डर हियर। एडमिंटन क्रॉस कर लिया है एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स लेड्यूक। एंड ये हाईवे है फ्रेंड्स, कर दिया है। और जो लेथब्रिज है 500 किलोमीटर्स है फ्रॉम एडमिंटन एंड और हम रोड ड्राइव कर रहे हैं। इट्स एक्साइटिंग, काफ़ी अच्छा रहता है, एडवेंचरस रहता है थ्रू आउट द रोड आप ट्रैवल करना। और अराउंड 4 to 5 hours का ट्रैवल है फ्रॉम एडमिंटन टू लेथब्रिज। और काफ़ी सारे एग्जिट्स मिलते हैं रास्ते में कि जहाँ पे आप स्टॉप करके आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट रूम यूज़ कर सकते हैं आप उस बाय द टाइम एंड देन थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। तो जब मैं आगे रुकती हूँ, शायद मैं रेड डियर पे रुकूंगी, रेड डियर एंड देन कैलगरी मेरा स्टॉप होगा एंड देन फाइनली वी विल जस्ट रीच लेथब्रिज। तो वी विल स्टॉप एट 2 or 3 stops बेसिकली रेड डियर, नेक्स्ट विल बी कैलगरी एंड मे बी नैंटन। तो लेट्स शो यू दैट ऑन द वे टू लेथब्रिज। हम आपको एक विलेज भी दिखाएंगे कनाडा का, जिसका नाम है ग्रेनम विलेज। वो ऐसा विलेज है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वहाँ की स्मेल कैसी होती है। मीन्स आप अपनी गाड़ियों के शीशे भी नहीं ओपन कर सकते हैं, ऐसी उसकी ऐसी ऑर्डर आती है उस विलेज से। तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। इट इज़ अ ग्रेनम विलेज ऑन द वे टू लेथब्रिज। बस वो बिल्कुल पास में ही है लेथब्रिज के, वो मैं आपको शो जरूर करूँगी। वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं काफ़ी सारे। सो फ्रेंड्स, हमने अभी रेड डियर पे एक स्टॉप लिया है। ये 1/4 वे हो गया हमारा टूवर्ड्स द लेथब्रिज। ये 154 किलोमीटर्स है फ्रॉम एडमिंटन। तो हम लोग अभी बस रेस्ट कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम अभी बस स्टॉप कर रहे हैं ANW पे एंड फिर हम अपनी जर्नी मूव ऑन करेंगे फर्दर। तो ये है रेड डियर, दिखाते हैं आपको।
ये डोनट मिल रहा है पीछे मेरे, होममेड डोनट्स मिलते हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेथब्रिज एक अल्बर्टा में सर्दर्न अल्बर्टा में एक सिटी है। ये 1 to 2 hours जर्नी है यहाँ से यूएस की। तो यहाँ से यूएस बॉर्डर बहुत ही क्लोज है, तो इजीली यूएस आप जा सकते हैं यूजिंग योर रोड्स इंस्टेड ऑफ बोर्डिंग एनी प्लेन और एनी अदर मोड। तो ये रोड ट्रिप काफ़ी अच्छी हो जाती है कैनेडा से यूएस की भी। तो आपको आगे दिखाते हैं, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं कैलगरी के लिए। तो बस अब अपनी गाड़ी में मैम बैठने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने एक और स्टॉप लिया है ऑन द वे टू कैलगरी। ये एक रेस्ट रूम है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, कनाडा में एक चीज़ ये बहुत अच्छी है कि यहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉप्स होते हैं ऑन द वे ऑन द हाईवे। तो ये बहुत इजी हो जाता है कि अगर आपको रेस्ट लेना है या फिर आपको स्टॉप करना है किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इजीली यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो हम ट्रैवल कर रहे हैं ये हाईवे है क्वींस एलिजाबेथ 2। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी कैलगरी पहुंच गए हैं। तो ये है कैलगरी। तो अब यहाँ से हमने सोचा, डिसाइड किया कि टेक आउट ले लेंगे, क्योंकि अब जब सुबह ब्रेकफास्ट करा था टिम हॉर्टन्स का, तो इट्स लाइक फीलिंग लाइक काइंड ऑफ फुल। तो अभी दिल नहीं कर रहा है खाने का, तो हम यहाँ पर रुकने के बजाय वी विल जस्ट टेक द टेक आउट एंड ऑन द वे इफ वी विल फील हंग्री देन वी विल हैव इट, अदरवाइज फिर हम देखते हैं लेथब्रिज पहुँच के ही खाएंगे। तो पैक करा लेंगे बस। तो अभी मैं आपको कैलगरी दिखाती हूँ। काफी रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। दिस इज़ अ स्कूल जोन। स्कूल जोन में आपको 30 km/h आप गाड़ी चला सकते हैं, इससे ज़्यादा आप स्पीड लिमिट नहीं रख सकते। ये स्कूल एरिया है, प्ले ग्राउंड एरिया बेसिकली। तो यहाँ पे सब लोग अपनी स्पीड रिड्यूस कर लेते हैं चलाते वक्त। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ, जहाँ पे एंड स्कूल जोन आएगा वहाँ से आप अपनी स्पीड लिमिट इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं आगे, मैं बस दिखाने वाली हूँ। देखिए ये ऑप्शन, ये दिख रहा है ना आपको बोर्ड येलो कलर का, इस पर लिख रहा है एंड प्ले ग्राउंड जोन। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 मैक्सिमम स्पीड लिमिट आ जाएगी। यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी स्पीड लिमिट। तो स्कूल जोन में आप मोर देन 30 km/h की स्पीड आप नहीं चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने शवरमा प्लेस से रैप ले रहे हैं। देखिए कैलगरी, काफ़ी रेनी रेनी वेदर हो रहा है, ठंडा भी हो गया है, स्वेट शर्ट्स निकालनी पड़ी हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो माउंटेन्स हैं, दोज आर द रॉकी माउंटेन्स। वहीं पे बैम्फ नेशनल पार्क का ही वहीं से रास्ता है।
और वहीं से आप लेक लुइस वगैरह भी आप जा सकते हैं। लंदन पहुंच गए हैं, सन टाउन इन अल्बर्टा। देखिए यहाँ पे बहुत ही मशहूर कैंडी स्टोर है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ की कैंडीज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस है, स्पेशली लोग यहाँ से कैंडीज लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैंडी स्टोर, कैंडी स्टोर। सो फ्रेंड्स, मैं और मेरे हस्बैंड ने ये डिसाइड करा कि फ्रॉम नैंटन टू चार्ल्सटन मैं गाड़ी चलाऊंगी। चार्ल्सटन एक अनदर टाउन है, जस्ट थोड़ा सा थोड़ी दूरी पे है नैंटन से, तो वहाँ तक मैं गाड़ी चलाने वाली हूँ, तो आई विल बी ड्राइविंग इट। सो लेट्स हेड्स अप टुवर्ड्स चार्ल्सटन एंड देन फिर ग्रेनम आएगा। ग्रेनम जो मैंने आपको बताया कि इट्स अ विलेज देयर, बिल्कुल पास में है लेथब्रिज के। फिर देन थर्ड फर्स्ट स्टॉप इज चार्ल्सटन, आफ्टर दैट ग्रेनम। ग्रेनम पे हम रुकेंगे नहीं, वो डायरेक्ट रोड है वन वे, एंड देन लेथब्रिज। तो लेट्स ट्राई। सदर्न साइड में काफ़ी अच्छा रहता है, सनलाइट है, ड्राइविंग करने में मज़ा आता है। एडमंटन में तो काफ़ी ठंडा था, मैं पूरे रास्ते वहाँ से कैलगरी तक पूरी स्वेट शर्ट पहनी थी। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अच्छा ही लग रहा है, अच्छा वेदर है, ड्राइविंग करने में तो मज़ा ही आ रहा है। ऑसम। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लार्सोम पहुँच गए हैं। वो गलती से मेरे से चार्ल्सटन हो गया था, एक्चुअली इट्स क्लार्सोम जो अनदर टाउन है आफ्टर नैंटन। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था ड्राइविंग का ऑन हाईवे। ये मेरी फर्स्ट टाइम मैंने SUV ड्राइव करी है मेरे हस्बैंड की ऑन हाईवे, एंड 120 किलोमीटर्स पर आवर मैंने चलाया। और क्योंकि मेरे पास तो सेडान है, तो उसमें पता नहीं चलता है एग्जैक्टली कैसी मेरी इतनी ज़्यादा स्पीड पता नहीं चलती। 60 पे तो नॉर्मल लगता है, 60 एंड 70, बट यहाँ पे काफ़ी हाई लगती है इन सेडान। बट इसको SUV चला के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि 120 मैं चला रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कम स्पीड पे चला रही हूँ गाड़ी। मतलब SUV में जो हाईवे पे अगर आप ड्राइव करें तो प्लीज़ SUV ही चलाइए। सेडान आप चलाएंगे तो आपको कुछ इजी ड्राइविंग नहीं हो पाएगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगी। बट दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ड्राइविंग SUV ऑन हाईवे एट 120 किलोमीटर्स पर आवर। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई होप आपको मेरी ड्राइविंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। देखिए मैं ग्रेनम के लिए लेफ्ट टर्न ले रहे हैं, दिस इज़ द विलेज हियर। सो फ्रेंड्स, वी हैव फाइनली रीच्ड सिटी ऑफ लेथब्रिज। देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज है, देखिए तो ये है लेथब्रिज। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और ये बज रहा है 2:30 आफ्टरनून का। हमने 9:00 8:55 पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी एंड इट्स 2:30 हियर। सो अराउंड 5 आवर्स के करीब हमें लगा पूरा जर्नी ट्रैवल करने में। तो इट्स अराउंड 504 किलोमीटर्स फ्रॉम एडमिंटन। सो वेदर यहाँ का बहुत अच्छा, प्लेजेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ का। देखिए लेथब्रिज फ्रेंड्स, देखिए ब्यूटी ऑफ लेथब्रिज, डियर्स ऑन द वे।
ये है यहाँ की पॉप ड्राइव, ये आप ऑनलाइन कहीं से भी देख सकते हैं। हम लोग अभी ओल्ड मैन रिवर पे आए हुए हैं लेथब्रिज में। सी द रिवर, दिस इज द ओल्ड मैन रिवर इन लेथब्रिज। आफ्टर लेथब्रिज आने के बाद हम लोग ने थोड़ी देर होटल पे रेस्ट किया 2 आवर्स का, एंड देन वी डिसाइडेड टू लेट्स गो आउट और रिवर देख कर आते हैं। तो हम लोग फिर ओल्ड मैन रिवर के लिए निकले हैं। तो दिस इज द रिवर, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। एंड ये जो एरिया पूरा आप देख सकते हैं, ये एक पूरी वूप अप ड्राइव है। मेरे बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा कनेक्ट करता है लेथब्रिज के अंदर। लेट मी जस्ट शो यू फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं वो वूप अप ड्राइव है। आप कहीं पर भी किसी भी कंट्री से आप इसको ऑनलाइन देख सकते हैं, इसका पूरा वेदर लेथब्रिज का, किस तरीके से वेदर कंडीशंस चल रही हैं यहाँ पर देखिए रिवर। सो फ्रेंड्स, लेथब्रिज का तो वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो रहा है। यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस है इस वक्त का टेम्परेचर, एंड ये अभी बज रहा है, इट्स 5:43 पीएम इन द इवनिंग, और काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है। इट्स प्लेजेंट हियर, और जैसे कि वेदर है तो ये इन्जॉय करने का एक अच्छा वेदर फिनोमेना है। बट कोई नहीं, कोई बात नहीं, क्या है कि विंटर्स भी हमें फेस करने, बट यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ता है एज़ कम्पेयर टू एडमिंटन। सो फ्रेंड्स, मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको व्लॉग्स, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल और सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।